वालेकुम गाइस। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बीटरूट का पल्लम। इसके सारे हमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मूंगफली का पाउडर बनाने वाली हूँ मैं। इन सारी चीज़ों के साथ मूंगफली को भून के पाउडर बना दिया है। अब मैं कुकर में तेल गरम करके प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ में करी लीव्स भी डाल रही हूँ। प्याज को लाइट गोल्डन कलर मैंने होने दिया है और अब डाल रही हूँ मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ, जिससे बीटरूट बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए गैस, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी इसे। तो अब देख सकते हैं गैस, मैंने इसे पका दिया है। अब मैं इसे पाउडर डालने वाली हूँ। हमारा बीटरूट का पल्लम तैयार है, हेल्दी एंड डिलीशियस है। अब मैं डालने वाली हूँ डोसा। तो देख सकते हैं गैस, हमारा नाश्ता तैयार है और ब्यूटीफुल व्यू भी। मज़ेदार नाश्ता हेल्दी होता है।